According to WHO, close to 8 lakh people die by suicide every year. That's one person every 40 seconds. After road traffic accidents, it is the second leading cause of death among 15 to 29 year olds globally. और ये है 2020 में ही देखी गई कुछ न्यूज हेडलाइंस जो कि आपने भी देखी होंगी. तो इसका मतलब 28 यूथ रोज सुसाइड कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और बहुत गंभीर समस्या है. हमें कुछ ना कुछ जल्दी ही करना पड़ेगा. अगर हमने कुछ नहीं किया तो बात और ज्यादा बिगड़ जाएगी. जी नहीं, मैं आप लोगों को डरा नहीं रही हूँ. और अगर ये प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करना तो हमारी जिम्मेदारी है. प्रॉब्लम से दूर भाग कर तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा ना. आप सभी को नमस्कार, आदाब. मेरा नाम धैर्य अरोड़ा है और मैं एक मेंटल हेल्थ नर्स हूँ. आजकल हम जैसे देख रहे हैं कितनी स्ट्रेसफुल लाइफ है और बच्चे मानसिक तनाव का शिकार हुए जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता. और बच्चे जो हैं वो मानसिक तौर से बीमार हो जाते हैं. स्ट्रेस बहुत कॉमन चीज़ है आजकल, तो इसलिए हम लोग को थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है. और पेरेंट्स होने के नाते उनके मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है. और इतनी स्ट्रेस में कॉमन है कि बच्चों को अपने आप को मारने के या फिर तरह तरह के ख्याल आते हैं, क्योंकि भागदौड़ वाली लाइफ है. कोई जॉब कर रहा है, कोई कॉलेज में है, और यूथ के साथ ये प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं. और अगर हम जान लें कि किस तरह से इस चीज़ की रोकथाम हो सकती है, तो यकीन मानिए हम सुसाइड को प्रिवेंट कर सकते हैं. 12th के बोर्ड्स सुनकर ही अपना टाइम याद आ जाता है ना. सबको एक तो स्ट्रेस नहीं होता, लेकिन कई लोगों को स्ट्रेस होता है. सबका टाइम उस टाइम अलग अलग तरह से बीतता है, क्योंकि जब उस टाइम हम पढ़ रहे होते हैं तब स्ट्रेस, और पढ़ने के बाद एग्ज़ाम दे दिए तो रिजल्ट का स्ट्रेस भी पीछे पड़ जाता है. उसके बाद हम कॉलेज के लिए भी एग्ज़ाम्स लिखते हैं, उसका स्ट्रेस. तो लाइफ स्ट्रेसफुल ही चलती रहती है. तो ऐसे में स्ट्रेस के साथ डील करना हर बच्चे के लिए अलग अलग कोपिंग होती है, तो अलग अलग टाइप से वो कोप करते हैं. तो देखते हैं नंदिनी को किस बात का स्ट्रेस हुआ था 12th के बोर्ड्स के टाइम पे. आइए देखते हैं नंदिनी की कहानी. मैं ट्यूशन जा रही हूँ. इतनी लेट बेटा, 8 बज गए, अब तो जा रही है. हाँ मैम, मेरे ट्यूशन टीचर चेंज हो गए हैं. मैथ्स वाले जो न्यू टीचर है वो इस टाइम पे क्लास लेते हैं. अच्छा बेटा, पढ़ाई ध्यान से करना, मन लगा के. जी बहन जी, कितने चली गो विधि फूल बन के. हाँ जी बहन जी, फैशन मॉडल. May I come in, sir? Yes, sir. Sure. Come on. Come. हाँ हाँ बेटा, आओ बैठो. बैठो बैठो. नंदिनी, तुम्हारा नाम नंदिनी है ना? हाँ जी सर. अच्छा अच्छा अच्छा. तुम्हारे दादाजी को काफी अच्छे से जानता हूँ मैं. सर आज कोई बच्चा आया नहीं. नहीं नहीं, तुम्हारे लिए एक्चुअली तुम्हारे दादाजी का कॉल आया था, तो तुम्हारे लिए स्पेशल क्लास अरेंज की है जिसमें सिर्फ तुम्हें ही पढ़ाना है, मुझे और किसी को नहीं. तो उस क्लास में सिर्फ तुम्हें ही पढ़ाना है स्पेशल. निकालो बुक्स, निकालो. तुम अपने मैथ्स का है ना तुम्हारा? हाँ, मैथ्स की तैयारी करानी है. ठीक है, बुक्स निकालो. तो नंदिनी, मैं भी तुम्हें कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, ठीक है? तुम्हें उनकी वैल्यू निकालनी है, ये तुम सॉल्व करो. तुम्हें x की वैल्यू निकालनी थी, फॉर्मूलास तुमने ठीक लगाए, बट कैलकुलेशन इज योर माइंड नंदिनी. सॉरी सर. व्हाट सॉरी? हैव यू एक बार दोबारा से चेक करो क्या किया तुमने. देखो जरा सर, मैं दोबारा कर देती हूं. बट नंदिनी, दोबारा कैसे होगा? सर आप मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा. सर प्लीज, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा. रुको नंदिनी, सुनो मेरी बात. बैठो बैठो. मैं तुम्हारे दादाजी को जानता हूँ, मैं हूँ ना, मैं बताऊंगा तुम्हें. दोबारा से ट्राई करते हैं, ठीक है? दोबारा से ट्राई. सर नंदिनी सुनो सर, मेरी बात तो सुनो. अरे अरे नंदिनी, ओह शिट, ये कैसे जा सकती है? मेरी नाक के नीचे से इसके दादा को कॉल करना ही पड़ेगा. मेरा फोन पे है. हेलो शमा जी, नमस्कार. मैं नंदिनी का मैथ्स का ट्यूशन टीचर बोल रहा हूँ. हाँ नमस्कार. हाँ हाँ, नंदिनी का दादा बोल रहा हूँ मैं, बताइए. बिटिया रानी का बहुत ज्यादा लगता है शायद पढ़ाई में मन नहीं है.
आज भी मैंने उन्हें कुछ सम्स दिए थे, कुछ क्वेश्चंस दिए थे, जिनका कैलकुलेशन मतलब फॉर्मूला उन्होंने ठीक लगाया था, बट कैलकुलेशन बिल्कुल ही गलत आया था। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बेटिया रानी फेल हो जाएंगे। और ना जाने क्यों क्लास से वो थोड़ा जल्दी भी चली गई, मतलब वो सही तरह से वो पढ़ाई में लगन से नहीं पढ़ रही है। भाई मैं आपको कह रहा हूँ थोड़ा ध्यान दीजिए, वरना बिटिया रानी फेल हो जाएंगी। अरे फेल कैसे हो जाएगी ऐसे? आप एक दिन में थोड़ी, अभी एक दिन की बात है, आपने बता दी शिकायत है उसकी, जब समझाएंगे उसको, समझा करके आप भी थोड़ा उसको थोड़ा डांट के और प्यार से जैसे भी वो पढ़ सकती है उसको पढ़ाइए, और हम भी उसको दोबारा घर में भी समझाएंगे, और फिर दोबारा कोई शिकायत आएगी बताइए, हम फिर उसको भी देखेंगे। कोशिश कीजिएगा कि वो कल से थोड़ा टाइम से आए और कंटिन्यू आए, तभी हम अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है शर्मा? आप चिंता ना करो, मैं आज आती है समझाता हूँ, और रेगुलर आएगी, आप चिंता ना करें। वो ऐसा छुट्टी वुट्टी कोई नहीं कर सकती, वो जैसे आप कह रहे हो भाई उसका मूड नहीं पता पढ़ने का, कुछ बात है तो हम देख लेंगे उसको, बिल्कुल समझा के भेजेंगे सर, समझा के भेजेंगे। ओके शर्मा जी, नमस्कार जी शर्मा। अब कहाँ जाओगे? नंदिनी कौन? नंदी बेटा क्या हुआ? बेटा क्या हो गया? क्यों रो रही है मेरा बच्चा? मुझे बता दे बेटा, माँ से तो सब बात बोलते हैं, क्यों रो रहा है मेरा बेटा? क्या हुआ बेटा, किसी ने कुछ बोला क्या? क्या हो गया तेरे को? मम्मा मुझे ट्यूशन नहीं जाना, मैं घर पे पढ़ लूँ। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? मैं घर पे पढ़ लूँ ट्यूशन में, घर में पढ़ाई थोड़ी होती है। बहू आज अभी फोन आया था, उनके ट्यूशन टीचर हैं, वो बहुत गुस्सा कर रहे थे, कह रहे थे ये जो लड़की है सही तरह पढ़ने रही है, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, और बदतमीजी करके मेरे से बदतमीजी करके आ गई आज भी, और कल से कहीं मैं आऊंगी नहीं। तो ये अभी रो रही है, मैं समझाती हूं। आज को समझाओ, और बात कर ले, बात करके जो भी हो मैं फिर टीचर को बाद में फोन करता हूँ, और जैसे ही करके पढ़ाई करनी है, 12वीं क्लास के पेपर है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और इसमें मेहनत नहीं करेगी ना तो रह जाएगी, फिर आगे कैसे जाएगी, कॉलेज में कैसे पढ़ेगी, आगे पढ़ाई के बिना क्या करेगी, अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा तो कैसे करेगी काम? हमारी बेइज्जती मत करा, नाक मत कटाओ हमारी मां समाज के अंदर। बहू आप भी थोड़ा इस पर ध्यान दो, इसको समझाओ, इस तरह से नहीं चलेगा। ठीक है मैं समझाती हूँ बेटा, क्या हुआ बेटा? देख तेरे दादाजी क्या कह रहे हैं बेटा, तुझे पता है ना तेरे पापा है नहीं है, हम तेरे दादाजी के सहारे पे हैं, अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो हम कहाँ जाएंगे बेटा? मेरे ट्यूशन में लड़के मजाक उड़ाते हैं, जो मैं ही कपड़े पहन के जाती हूँ, मुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनने, वो मुझे बहन जी करके बोलते हैं। कपड़े तो अच्छे हैं ये, हमारी तो आपकी होती है बेटा, इसको तो पूरा ढका हुआ है, इसको तो बेटा किसी की नजर भी नहीं लगेगी आपको, कोई ये तो बुरी नजर से बचाते हैं ये वाले कपड़े। तो तेरे पापा की आखिरी इच्छा थी ना कि तेरे को डॉक्टर बनना है, है ना? तेरे को पता है ना ट्यूशन नहीं जाएगी, पढ़ेगी नहीं तो कैसे होगा, कैसे बनेगी डॉक्टर बेटा? लड़के मजाक उड़ाते हैं ना, उनकी तरफ ध्यान भी मत दे, सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे बेटा, सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ। शाबाश, अच्छा बच्चा है ना, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत पानी पानी, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। मुझे जीना ही नहीं है। कैसी बातें कर रही है नंदी, ऐसे नहीं बोलना, ये बात तो किसी के मुंह में भी नहीं आनी चाहिए, तू तो मेरा सहारा है, तू ऐसे बोलेगी तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी। कुछ नहीं और कुछ नहीं सोचना, सिर्फ अपनी पढ़ाई के बारे में ध्यान देना है, ठीक है? अब मैं जा रही हूँ, ओके, पढ़ना है अच्छे से, शाबाश। अब मैं माँ को भी नहीं बता सकती हूँ, मैं ट्यूशन वाले सर में किसी को बता भी नहीं सकती कि वो मेरे साथ ऐसा करते हैं, अब मुझे ट्यूशन नहीं जाना, और दादाजी वो तो मेरी बात बिल्कुल नहीं समझे, उनको बस समाज में अपनी इज्जत की परवाह है, मैं क्या करूं? मुझे नहीं जीना। नंदिनी की माँ सिंगल पेरेंट थी और उस पर पढ़ाई का बहुत प्रेशर था। नंदिनी अपने अंदर ही एक जंग जैसे लड़ रही थी, वो किसी से कुछ भी नहीं कह पा रही थी। जब हम कोई बात दिल में रख लेते हैं, किसी से कहते नहीं हैं, तो मानसिक तनाव का और भी ज़्यादा चांस होता है, और संभावना होती है कि हम मानसिक तौर से और बीमार हो जाएं, जैसे कि एडजस्टमेंट डिसऑर्डर नाम की बीमारी, वो तब होती है जब हम प्रिपेयर्ड नहीं होते।
हमें सिखाया ही नहीं जाता कि फेलियर्स किस तरह से फेस करने हैं। पेरेंट्स हमें ये तो बता देते हैं कि हाँ, अगर तुम फर्स्ट आ गए, अगर तुम सक्सेसफुल हो गए तो तुम्हें क्या लेकर देंगे, लेकिन पेरेंट्स हमें ये नहीं बताते कि अगर हम फेल हो गए तब क्या होगा। तो हमें प्रिपेयर ही नहीं किया जाता। तो ऐसे में मानसिक तनाव बहुत कॉमन है और सुसाइडल थॉट्स आना भी बहुत कॉमन है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम बच्चों को समझाएं कि फेलियर और सक्सेस दोनों ही लाइफ के पार्ट हैं और दोनों ही ज़रूरी हैं। फेलियर को एक्सेप्ट करें और लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह लें। अपने बच्चों को सिर्फ सक्सेस के लिए ही नहीं, फेलियर के लिए भी प्रिपेयर्ड रखें। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सिर्फ पेरेंट्स की ही बच्चों से नहीं, बच्चों की खुद से भी होती हैं, और वो कंपैरिजन से आती हैं। जैसे बच्चों को कंपेयर करते हैं पेरेंट्स की, उसके तो 90% आए हैं, तुम भी मेहनत करो, तुम्हारे भी आ जाएंगे। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो बच्चे अपने आप से भी एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाते हैं, और पेरेंट्स तो बच्चों से एक्सपेक्टेशंस रखते ही हैं। लेकिन जब वो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो अनरियलिस्टिक होती हैं, यानी कि जो बच्चा अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे मछली उड़ नहीं सकती और चिड़िया जो है वो तैर नहीं सकती, ऐसे हर बच्चे की अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं। हर बच्चा यूनिक होता है, अपने आप में ही उनकी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं। तो इसलिए हमें उन पे दबाव ना डाल के उनके साथ एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशन बनाना चाहिए, और उनके साथ बैठकर उनके इंटरेस्ट के साथ ही उनका कैरियर चूज़ करना चाहिए। कॉम्पिटिशन एक ऐसी चीज़ है जिसको हम रोक नहीं सकते, वो तो होगी ही, लेकिन हमें ये देखना है कि वो कंपटीशन अनहेल्दी है या हेल्दी है। अनहेल्दी कंपटीशन में बच्चे दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हैं, लेकिन हेल्दी कंपटीशन में एक बच्चा अपने आप से ही कंपेयर करता है कि वो पिछले टाइम कैसा था और अभी कैसा है। अगर हम बच्चों को कंपेयर करेंगे दूसरों के बच्चों से, तो बच्चे ये सोचेंगे कि वो कितने कमज़ोर हैं बाकियों से, या फिर उनमें जलन और द्वेष की भावना आ जाएगी। वो दूसरों को हमेशा पीछे करके खुद आगे जाने की कोशिश करेंगे, और इतने स्ट्रेस में पहुंच के, इतने प्रेशर में आके उनकी सोचने समझने की शक्ति भी ख़त्म होने लगेगी, और वो जो अचीव करना चाह रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमको आके सारी प्रॉब्लम्स शेयर करें, सब कुछ बताएं, तो हमें ज़रूर उनसे फ्रेंड्स जैसा रिलेशन बनाना ही पड़ेगा। और अगर हम उनसे फ्रेंड्स जैसा रिलेशन बनाएंगे, उनसे हर चीज़ बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या हुआ, और हमें उनसे जज नहीं करना, मतलब हमें ये नहीं कहना कि आपकी फीलिंग तो गलत है या फिर ऐसे कैसे सोच सकते हो, अगर हम इस तरह से बोलेंगे तो वो हमें कभी आके अपनी बात नहीं बताएंगे। अगर हमारे बच्चे फेल हो जाते हैं या फिर अच्छे ग्रेड्स नहीं ला पाते एग्ज़ाम में, तब हमें क्या करना है? उस टाइम हमें बच्चों को मोटिवेट करना है, क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेट तो किया ना। अगर उनसे नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, अगली बार तो वो कर सकते हैं। तो हमें उन्हें हमेशा बोलना है कि जंग के मैदान में हमेशा डट के खड़े रहना है। उनको हमेशा जैसे क्रिकेटर बैट्समैन खड़ा रहता है और अगली बॉल का वेट करता है, और जब भी वो मौका लगेगा तो वो छक्का तो मारेगा ही, तो वो तभी मारेगा ना जब उसके पास बॉल्स आती रहेंगी। तो वो अपॉर्चुनिटीज जब तक उसके पास आती रहेंगी तो वो उसको फेस करें, मैदान छोड़ के भागे नहीं। अपने बच्चों पर विश्वास रखें, क्योंकि हार कर जीतने वाले ही तो बाजीगर कहलाता है। यूथ में सुसाइडल थॉट्स के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हमने देखा कि नंदिनी के केस में सेक्सुअल हैरेसमेंट एक तरह का कारण थी, बुलिंग कारण थी, और ऐसे ही घर में कभी कोई डेथ हो जाती है, बच्चे मायूस हो जाते हैं और ग्रेड्स अच्छे नहीं आते, ये भी एक कारण हो सकता है। रिलेशनशिप फेलियर्स हो जाते हैं यूथ में, सोसाइटी में एक्सेप्ट ना करना, कोई उनको सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करता, या फिर फैमिली में लोग बच्चों को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट, किसी बच्चों को जॉब में प्रॉब्लम आती है, या फिर बड़े होते हैं तो शादी में प्रॉब्लम आती है, ड्रग एब्यूज़, या फिर सेपरेशन, यानी कि अपनों से दूर हो जाना, ये भी कारण हो सकता है। ऐसे में बच्चों को खाने पीने का मन नहीं करता, सारा दिन सोते रहने का मन करता है, डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स हो जाते हैं, यानी कि बहुत उदास सा मन रहता है, और वो किसी से बात करना भी पसंद नहीं करते। बच्चों को बहुत हेल्पलेस फील होता है। हेल्पलेस का मतलब कि अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, और होपलेस फील होता है। होपलेस का मतलब कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है लाइफ में, सब खत्म हो गया है, और वर्थलेस फील होता है। वर्थलेस का मतलब कि मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ। कॉलेज लाइफ सुन के क्या याद आता है? फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स। लेकिन उस टाइम भी स्ट्रेस हमारा पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि पढ़ाई का स्ट्रेस, उसके बाद रिलेशनशिप्स का स्ट्रेस भी है, फिर उसके बाद अगर पढ़ाई पूरी हो जाए तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का स्ट्रेस है, और अनएम्प्लॉयमेंट के बाद शादी वादी का स्ट्रेस। तो बहुत सारे स्ट्रेस जो है वो कॉलेज लाइफ में हमें देखने को मिलते ही हैं, और ऐसे में बच्चे गलत राह पे निकल पड़ते हैं, और उस राह से उनको निकालना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आइए एक सेकंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट की कहानी देखते हैं,
जिसका नाम है राघव। मेरा दिल बड़ा है तेरी छोटी सोच से, कर रहा हूं खुद को खत्म ताकि तुझे ना कोई दोष दे। तूने ना किया पर मेरा प्यार तो सच्चा था, नहीं समझ पाया तेरी वो बातें शायद दिल बच्चा था। अब नहीं बांधा करेंगी मेरी बहनें कभी राखियां, मेरे भाई को भी याद आया करेंगी मेरी बदमाशियां, रुलाया करेंगी मेरे माँ बाप को मेरी निशानियां, मेरे बाद मेरे दोस्त सुनाया करेंगे मेरी किस्से मेरी कहानियां। जा रहा हूं तुझसे दूर, छोड़ रहा हूं ये दुनिया, क्योंकि अब नहीं पाती मुझे तेरी गलियां, गलियां तेरी गलियां। हाँ प्रीति। काट दिया? तो फिक्र मत कर, प्रीति तेरे पास ही वापस आएगी। सब खत्म हो गया यार, मैं ही था जो उसके खर्चे नहीं उठा पाता था। वहाँ मेरे पापा हैं जो कॉलेज की फीस तक पे नहीं कर पा रहे हैं। सब खत्म हो गया। देख यार सुन, जो जिगरी दोस्त है ना मेरा, ये जैकेट है यार मेरे को बहुत पसंद है, दिल से पसंद है। इसी को पहन के गया था जब मैं लास्ट टाइम प्रीति से मिलने गया था। अरे वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी जैकेट है। थैंक यू भाई। और ये कौन सा जिस पर टैटू बनवा रखा है, दिखा। देख भाई क्या है। अबे छोड़ ना, अबे प्रीति आती रहेगी पियो यार। सौ आदमी हूँ यार मैं, भाई के दम में पी रहा हूँ, पीता नहीं हूँ। पियो यार, पियो यार, पियो भाई, भाई पिला रहा है। नशे में धुत दोस्तों ने भी इस खतरे की घंटी पे ध्यान नहीं दिया। राघव ने अपनी पसंदीदा जैकेट भी दे दी और अपने हाथ पर यहाँ तक कि मौत का टैटू तक बना दिया, लेकिन दोस्तों ने देखकर भी अनदेखा कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। अरे अंकल इसे क्या हो गया, बात ही नहीं करता। पता नहीं बेटे, इसकी एक प्रीति दोस्त थी उसके साथ इसका ब्रेकअप हुआ, तब से ये ऐसे लग रहा है गुमसुम सा, पता नहीं हुआ क्या इसको। बेटा आप किसी को शेयर मत करना ये बात प्लीज, ये तो टेंशन में रहेगा, पता नहीं कैसे मन बुला कर। खुश रहो बच्चे, खुश रहो। राघव हमारा पहले जैसा हो जाएगा, हसमो आज ऐसा देखा ना आपने, चलो अच्छी बात है, खुशी हुई ना। लेकिन कौन जानता था राघव की ये खुशी ही सबसे बड़ी खतरे की घंटी थी। वैद्य जी ने डिप्रेशन का सही ट्रीटमेंट तो दे दिया, लेकिन ये बताना भूल गए कि डिप्रेशन के टाइम पे सबसे ज़्यादा सुसाइड का हाई रिस्क तब होता है जब इंसान रिकवर कर रहा होता है, उसकी दवाई और थेरेपीज चल रही होती हैं, क्योंकि उस टाइम इंसान में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, वो रिकवर कर रहा होता है। पेशेंट ठीक होते ही रियलाइज़ करता है कि मैंने सब कुछ खो दिया और अब कुछ नहीं बचा, तो सुसाइड का चांस ज़्यादा होता है। सुसाइड यानी कि आत्महत्या, इस वर्ड को सुनते ही लोग डर जाते हैं और कोई इसकी तह तक जाने की कोशिश भी नहीं करता, कोई ये जानने की कोशिश भी नहीं करता कि हम उसको किस तरह से बचा सकते हैं, उसका क्या कारण है। तो अगर हम उसकी तह तक जाएंगे और समझेंगे कि आखिर ये हो ही क्यों रहा है, तो हम ज़रूर उसको बचा पाएंगे। सुसाइड जो है वो मेल्स में ज़्यादा कॉमन है, यानी कि जो ज़्यादा अटैम्प्ट होते हैं वो मेल में कॉमन होते हैं, जो कम्प्लीट अटैम्प्ट होते हैं, लेकिन फीमेल्स में फेल अटैम्प्ट ज़्यादा कॉमन है। मेल्स में इसलिए ज़्यादा कॉमन है क्योंकि उनका जो तरीका होता है खुद को मारने का या फिर
खुद को हानि पहुंचाने का वो ज़्यादा अग्रेसिव होता है और वो ज़्यादा जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं। सुसाइड के कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि प्रोटेक्टिव फैक्टर्स का मतलब है कि हम बचे रहेंगे अगर वो हमारे साथ होंगे तो, जैसे कि अच्छी फैमिली सपोर्ट, हमारी जो फैमिली है वो हमें अच्छे से सपोर्ट करती है, बात करती है हमसे, तो हम बचे रहेंगे, यानी कि सुसाइड होने के चांस, वो सुसाइडल थॉट्स आने के चांस हमें कम होंगे। जब हम मैरिड होते हैं तो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हमें पता होता है कि हमें अपने परिवार का ध्यान रखना है, उनके लिए जीना है, तो हमारे मन में इस तरह के थॉट्स आने के चांस कम होते हैं। हैप्पी मैरिड लाइफ होनी चाहिए, तभी वो एक प्रोटेक्टिव फैक्टर रहता है सुसाइडल थॉट्स के लिए। या फिर जिनके स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीव्स होते हैं वो भी एक तरह का प्रोटेक्टिव फैक्टर है, यानी कि वो हमको बचा के रखता है सुसाइडल थॉट्स आने से। अगर हम बहुत रिलीजियस हैं, इसका मतलब है कि अगर हम इस्लाम में बिलीव करते हैं या फिर हम हिंदू हैं, तो हर रिलीजन हमको ये सिखाता है कि जो सुसाइड है वो एक सिन है, एक पाप है, उसको करना गलत है। इवन क्रिश्चियनिटी में भी यही बिलीव है। और ये भी प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं, जैसे कि फ्रेंड्स का होना, सेफ्टी होना, केयरिंग फ्रेंड्स होना, अपनी कोपिंग अच्छी होना, नेबरहुड में सेफ्टी होना, हेल्थ सर्विसेज की अवेयरनेस, एकेडमिक अचीवमेंट और पेरेंट्स से कनेक्शन अच्छा होना। अब हमारे पास कुछ रिस्क फैक्टर्स भी आते हैं। रिस्क फैक्टर्स का मतलब है कि हमें ऐसा होगा तो हमारे पास रिस्क है कि हमें और ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स आने का चांस रहता ही है। तो रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास आता है, पहले कभी सुसाइड अटेम्प्ट किया हो या सब्सटेंस अब्यूज की हिस्ट्री हो, फिजिकल इलनेस हो, कोई फ्रेंड छोड़ के चला गया हो, बुलिंग या फिर मेंटल हेल्थ कंडीशन खराब हो, हाल ही में किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर की डेथ हुई हो, हार्मफुल चीज़ों से बहुत जल्दी एक्सेस हो या फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो। यूथ में रिस्क फैक्टर्स हैं कि बहुत टाइम से स्ट्रेस में हो या फिर एक्यूट लॉस हुआ हो या रिजेक्शन फेस किया हो, बुलिंग या फिर चाइल्डहुड एब्यूज, फैमिली वायलेंस या फिर सोशल आइसोलेशन या फिर ट्रॉमा भी। तो कोई ना कोई ऐसे रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं तभी हमें इस तरह के थॉट्स आते हैं। एक और बड़ा रिस्क फैक्टर है अल्कोहलिक होना। वो रिस्क फैक्टर इसलिए है क्योंकि इसमें इंसान क्या होता है, जब अल्कोहल ले लेता है उसके बाद इंसान कोई गलत काम करता है और बाद में जब उसका नशा उतरता है तो वो बहुत गिल्टी फील करता है कि अगर मैंने शराब नहीं पी होती तो मैं ये काम ना करता। जैसे कि कुछ लोग पार्टीज वगैरह में जाके लड़ाई झगड़ा करके आ जाते हैं पीने के बाद, और बाद में आके रिग्रेट करते हैं, और अगर उन्होंने कोई बहुत गलत काम कर लिया होता है तो फिर उनको सुसाइडल थॉट्स आने बहुत कॉमन है। और ऐसे में इंसान को ऐसा लगता है कि अब तो लाइफ ख़त्म हो चुकी है तो मैं खुद को मार ही क्यों नहीं देता, और वो इस तरह की बातें भी कर सकता है, यानी कि अपने अपनों से, अपनी माँ से, पापा से या अपने दोस्तों से इस तरह की बातें करने लगता है कि काश मैं ज़िंदा ही ना होता या फिर मेरे ज़िंदा रहने का क्या मतलब। और ऐसे जब वो बातें करता है तो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट साइन ये होता है कि वो लिख के बताता है कहीं ना कहीं, किसी सरफेस पे, किसी नोट पे या अपने हाथ पे कहीं पे भी अगर वो लिख देता है ना, तो इसका मतलब उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा सिवियरिटी से ये थॉट्स आ रहे हैं। तो इसको हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग साइन की तरह लेना है, यानी कि खतरे की घंटी की तरह लेना है। सुसाइड के और भी वार्निंग साइंस हो सकते हैं, अकेले अकेले फील करना, गुस्सा आना, चाकू या फिर पॉइजन जैसी चीज़ें बहुत आसानी से उनके पास मिल जाना, और अपने आप को बर्डन जैसा फील करना दूसरों पे, या फिर बहुत ड्रास्टिक मूड में चेंजेस आना, जैसे एकदम से बहुत दिनों से सैड हैं और एकदम से खुश हो जाना, जैसा कि हमने राघव की कहानी में देखा था। अब उससे पता है कि अब तो मरना है तो वो खुश रहने लगता है अपने आखिरी दिन के लिए। या फिर बहुत फ्रीक्वेंटली डेथ के बारे में बात करना, जैसे यूथ में बहुत कॉमन है कि सोशल मीडिया पे खुद बाय मैसेज लिख देना, खुद को हानि पहुंचाना, रिस्की बिहेवियर में एंगेज होना, अपने फ्यूनरल की तैयारियां करना या फिर अपनी फेवरेट आइटम्स को किसी को दे देना, शराब, सिगरेट या किसी और ड्रग का सेवन करना, सुसाइड के थ्रेट्स या धमकियां देना, अपने बारे में नेगेटिव सोचना या फिर नकारात्मक विचार आना। अगर आपको इनमें से कोई सा भी वार्निंग साइन दिख जाए और आपको पता चल जाए कि आपका मेट बच्चा या फिर आपके आसपास कोई बच्चा सुसाइडल है, तो ऐसे में आपको सुसाइड के लिए हमेशा उनसे बात करनी है। बहुत लोगों को लगता है कि सुसाइड के बारे में बात करने से, उनके थॉट्स के बारे में बात करने से उनके सुसाइडल थॉट्स बढ़ जाते हैं, लेकिन ये एक मिथ है, ऐसा नहीं होता। जब हम बात करते हैं तो बच्चा हमसे शेयर करता है, उनको बताता है कि मुझे मरने का मन कर रहा है या मैं चाहता ही नहीं कि मैं जीऊँ, तो जब वो ऐसी बातें शेयर करता है तो उसका मन हल्का हो जाता है। और हो सकता है उसके थॉट्स कम ना हो, लेकिन आपको उसकी सीवियरिटी का पता चलेगा कि उसके थॉट्स कितने ज़्यादा सीवियर हैं। और दूसरा,
आपको वो जो चांसेस हैं सुसाइड अटेम्प्ट करने के वो जो है वो कम हो जाएंगे। हमें ऐसे में उनको इमोशनल सपोर्ट करना है, उनसे बात करनी है और उनको बताना है कि उनके जीना कितना, उनके लिए जीना कितना इम्पोर्टेंट है। उनके जो थॉट्स हैं वो हमें पूछने हैं कि उनको क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं, किस तरह से खुद को मारने का मन कर रहा है और उन्होंने कोई प्लान बनाया है कि नहीं। इस तरह के थॉट्स हमें हमेशा उनसे पूछने चाहिए। लेकिन जब हम उनसे इस बारे में बात करते हैं तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें उन्हें कभी जज नहीं करना। हमें उन्हें ये नहीं कहना कि ऐसे थॉट्स तो आपके दिमाग में आने ही नहीं चाहिए या फिर ये बहुत रबिश थॉट्स हैं, तो इस तरह से हमें जज नहीं करना। हमें पता होना चाहिए कि हमें उस टाइम पर उनको इमोशनली सपोर्ट करना है, जो भी उनके थॉट्स आ रहे हैं उनको सुनना है ध्यान से, यानी कि हमें उनको ह्यूमिलिएट नहीं करना। उनको अगर हम ह्यूमिलिएट करेंगे कि इस तरह के थॉट्स तो बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए, तो उनको लगेगा कि मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं, तो मैं किसी से क्यों शेयर करूँ। ये सब बहुत आजकल के डेट में बहुत कॉमन है और किसी के साथ भी हो सकता है। सुसाइडल थॉट्स किसी को भी आ सकते हैं। हमको ये ध्यान रखना है, अब हमें पता है कि हमारा बच्चा जो है या जो भी बच्चा है वो सुसाइडल है, उसको थॉट्स आ रहे हैं इस तरह के, तो हमें ध्यान रखना है कि कोई भी हानि पहुंचाने वाली लीथल चीज़ उनके पास नहीं होनी चाहिए, जैसे कि शार्प्स नहीं होने चाहिए, कोई किसी तरह का चाकू या फिर कोई पॉइजन या फिर पिल्स, इस तरह की चीज़ें उनके पास नहीं रखी होनी चाहिए। उनको बिल्कुल दूर रखना है उनके उनसे और 24/7 उन पर नज़र रखनी है, विजिलेंट रहना है और ध्यान रखना है कि वो अपने आप को किसी तरह की हानि ना पहुँचाएँ। कॉन्ट्रैक्ट नोट भी ले सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं नो सुसाइड कॉन्ट्रैक्ट नोट, यानी कि एक तरह का प्रॉमिस कि आप अपने आप को हानि नहीं पहुंचाओगे। वो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं तो बहुत लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हैं कि अब तो बच्चा कुछ करेगा ही नहीं, लेकिन ये एक तरह की फॉल्स रीअश्योरेंस मानी जाती है और ये बिल्कुल भी रिलायबल मेथड नहीं है। तो अगर आप लेते भी हैं इस तरह का प्रॉमिस तो भी आपको विजिलेंट रहना ही है, विजिलेंट रहना बहुत ज़रूरी है कि कुछ भी हो सकता है, हम उसको एक फॉल्स रीअश्योरेंस की तरह नहीं ले सकते। जिसने बिना ह्यूमिलिएट फील करवाए बच्चों को, उनसे बात कर ली और जिसने भी वार्निंग साइंस को बहुत सीरियसली लेके सही टाइम पे कदम उठा लिया, वो सुसाइड को प्रिवेंट ज़रूर कर सकता है। अगर आपने इस तरह की किसी भी वार्निंग साइंस को पहचान लिया तो उसके बाद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या करना है, तो एक हेल्पलाइन नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने किरण हेल्पलाइन खोली है, इसमें आप कॉल कर सकते हैं। इसका नंबर है 1800-599-0019। ये किरण हेल्पलाइन जो है ये 24/7 खुली रहती है और किसी भी तरह की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ जो भी लोग जूझ रहे होते हैं उनको हेल्प करने के लिए रेडी रहती है, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी एक्सेट्रा। और ट्रीटमेंट के लिए आसपास के साइकोलॉजिस्ट क्लिनिक व बड़े बड़े हॉस्पिटल में साइकोलॉजिस्ट व साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना बहुत ज़रूरी है। सुसाइड का सबसे बड़ा कारण है मेंटल इलनेसेस, और मेंटल इलनेसेस में 80% लोगों में डिप्रेशन ही कारण रहता है और 10% स्किज़ोफ्रेनिया के केसेस होते हैं, और बाकी 10% ऐसे होते हैं जो अंडर डायग्नोज होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, यानी कि कुछ आपने कह दिया और उन्होंने एकदम से जाकर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम सुसाइड कर लेंगे। और डिप्रेशन वो है जो आपने अभी राघव की कहानी में देखा कि उसका ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप के बाद उसको सारे नेगेटिव थॉट्स आने लग गए कि जैसे उसकी लाइफ में कुछ बचा नहीं और आगे कुछ हो नहीं सकता। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें अजीब सा पागलपन होता है, दहशत होती है और आवाज़ें आती हैं, उन आवाज़ों से डर लगने लगता है। ये आवाजें पेशेंट को कमांड करती हैं खुद को हानि पहुंचाने के लिए या मार देने के लिए, और पेशेंट बहुत घबरा जाता है और ऐसे में सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है। स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट सब पर शक करने लगता है, उसको लगता है कि लोग उसे हानि पहुंचाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में जरूरी है कि पेशेंट जरूर डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले और दवाई बीच में छोड़े नहीं, और ट्रीटमेंट के टाइम फैमिली को पेशेंट पर 24/7 नजर रखनी पड़ेगी, उनका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मानसिक बीमारियों का ठीक से इलाज लेकर ही हम सुसाइड को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगी और जाते जाते एक खुशखबरी आप लोगों को बताना चाहूंगी। 2017 में मेंटल हेल्थ एक्ट में एक चेंज आया है, जो भी सुसाइड के पेशेंट्स हैं या जो लोग भी सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं उनको क्रिमिनल ना मानते हुए उनको एक पेशेंट की तरह रिहैबिलिटेशन सेंटर में ट्रीट करा जाएगा, और दूसरा जो भी उनको मजबूर करेंगे सुसाइड करने पे उनको पनिशमेंट दी जाएगी। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें और दूसरों को भी सुसाइड प्रिवेंट करने के लिए एजुकेट करें। धन्यवाद।